बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। जो लोग XNX यूज़ करते हैं, मैं आज बताऊँगा कि XNX से हम USDT डॉलर अपने बाइनेंस अकाउंट में कैसे विदड्रा करें, XNX अकाउंट से USDT डॉलर कैसे विदड्रा करने हैं। तो अगर जिसके पास भी XNX का अकाउंट है तो वो विदड्रा करना चाहते हैं, तो विदड्रा कैसे करना है बाइनेंस अकाउंट में USDT डॉलर्स, तो उसके लिए सबसे पहले अपने XNX अकाउंट ओपन करेंगे। ये मैंने अपना XNX अकाउंट ओपन किया है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, XNX का जो अकाउंट है ओपन कर लिया है मैंने, तो आपको विदड्रा का ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे ये वाला, ठीक है। हमने यहाँ से विदड्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करते हैं विदड्रा के ऑप्शन के ऊपर, और हमने विदड्रा कहाँ करना है, बाइनेंस के अकाउंट में, ताकि हमारा जो विदड्रा डॉलर है वो USDT जितने भी अकाउंट में बैलेंस होगा वो बाइनेंस में चला जाए हमारा अकाउंट। तो उसके लिए सबसे पहले यानी कि इस भी ऊपर जाएंगे, ये जो ऑप्शन लास्ट में दिया होता है इन्होंने, ये ऑप्शन है आपके पास टेथर USDT ERC20, इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो टेथर USDT नीचे टर्न एक्सटेंड इथेरियम अकाउंट, यहाँ पर आपने वो देना होता है यहाँ पर जो हमारा, तो उसकी वो जो अकाउंट होता है मेरे बाइनेंस अकाउंट है वो यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट किया जाता है, वहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे सेंड किया जाता है। तो वो मैं वहाँ से कॉपी कर लेते हैं वहाँ से अपने बाइनेंस अकाउंट पे जाके। पहले सबसे पहले आप अपने बाइनेंस अकाउंट से वो वाला एड्रेस कॉपी कर लेना जिसके ऊपर हमने सेंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बाइनेंस का अकाउंट ओपन करना है आपने। ये तो एक मैंने बताया ना भी ऐसे विदड्रा करना, तो मेन अब मैं दिखा रहा हूँ कि पहले बाइनेंस के ऊपर हम अपने का एड्रेस कॉपी कर लेंगे जहाँ पे डॉलर हमने डिपॉजिट कर यानी कि बाइनेंस अकाउंट में शिफ्ट करने हैं या विदड्रा करने हैं। तो वैलेट में चले जाएंगे, ये वाला वैलेट जैसे ये ओपन हो गया मेरा तकरीबन बाइनेंस का अकाउंट, तो ये कॉर्नर में लास्ट में ऑप्शन देख रहे होंगे वैलेट लिखा हुआ, वैलेट पर चले जाएँगे यहाँ पर। तो हमने डिपॉजिट के ऊपर ओके करेंगे, लेकिन ये डिपॉजिट के ऊपर ओके किया है काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं USDT BTC हमने उसके बाद ये USDT के ऊपर ओके कर देना पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये मैं कह रहे हैं तीन चार ऑप्शन आ जाते हैं अभी, चूज योर नेक्स्ट रिक्वायर्ड कॉपी, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन इनिशियल विद्रा नेक्स्ट करते जाएंगे चाहे ना करें, चाहे डिपोजिट यहाँ पर डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पर ओके कर देना है डिपॉजिट नाउ के ऊपर। तो जैसे डिपॉजिट नो के ऊपर ओके करें तो जो पहला ऑप्शन है इथेरियम ERC20, इसको आपने ओके करना है इथेरियम ERC20। जो जैसे आप ये इथेरियम ERC, तो हमने ये जो सपोर्ट वैलेट है इसको कॉपी कर लेंगे, ये एड्रेस है ना इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, ये जो एड्रेस है जो कॉपी हो गया, एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने अगेन अपने उसी वैलेट में चले जाना है, वो जो आपका XNX का अकाउंट है वहाँ पर चले जाना, ठीक है। ये वो XNX का अकाउंट ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद तो विदड्रा के ऊपर आपने ओके करना है। जैसे ही विदड्रा के ऊपर किया तो ये है विदड्रा के डिफरेंस मेथड आ चुके हैं, वही जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने टेथर USDT ERC20 के ऊपर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने करेंसी USD डॉलर ही रहने देनी है, और यहाँ पे हमने ये जो एक्सटर्नल थीटियम अकाउंट है यहाँ पे वही जो हमने कॉपी किया था एड्रेस वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये एड्रेस पेस्ट कर दे, इसको मैच भी कर लेना आपने, और यहाँ पे जितने भी डॉलर आप अमाउंट विदड्रा करना चाहते हैं, यहाँ 50 है या 100 है, जितने भी आप विदड्रा करना चाहते हैं
ठीक है, जितने डॉलर भी आप विदड्रा करना चाहते हैं, इसके बाद करने के बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर जैसे करेंगे तो आपके डॉलर विदड्रा हो जाएंगे आपके बाइनेंस के अकाउंट पे। ठीक है, मेरे पास अभी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले जाएगा या नोट इनफ मनी लिखें। जब आपके पास जितने भी डॉलर होंगे आप यहाँ पे लिखेंगे और आपको विदड्रा हो जाएगा। इसी तरह आपने विदड्रा कर लेना, यही मेथड है। कोई बात समझ ना आए तो आपने कमेंट में पूछ लेनी है या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।